हारेंगे, हरवाएंगे, फिर जीतेंगे। क्या करना चाहते हैं भाई आप? हमें ये आपका मोहरा समझ में नहीं आता, माफ करना, हमें ये मोहरा समझ में नहीं आता। तो हम ये चाहते हैं, मुद्दा ये है इत्तेहाद का नहीं, मुद्दा यही है, मुद्दा ये है। देखिए सुनिए, आपसे बात नहीं हो रही है, मुझे भी फ्रीडम है, मुझे अपनी बात करने का हक है, हमें ये मोहरा समझ में नहीं आता। तो हम ये चाहते हैं, मुद्दा ये है इत्तेहाद का नहीं, मुद्दा यही है, मुद्दा ये है। देखिए सुनिए, आपसे बात नहीं हो रही है, मुझे भी फ्रीडम है, मुझे अपनी बात करने का हक है। वो जब कह रहे थे तो वो कलाम पाक की आयत नहीं पढ़ रहे थे, वो अपनी बात कर रहे थे नहीं, तो वो क्या तिलावत कर रहे थे? तो वो तिलावत कर रहे थे क्या? गलत बात नहीं, सब सही बात कर रहा था मैं हालात हजरा पे बात कर रहा हूं। हम हालात हजरा पे यहां पे गुफ्तगू करने के लिए बैठे हुए हैं, आप सारे लोग वक्त निकाल कर आए हैं। मुल्क की हालात क्या है? सियासी हालात, समाजी हालात, सारी हालात पर गुफ्तगू यहां पर हो रही है। रहमान साहब ने किताब लिखी है, सियासी हालात पे लिखी है। एमएलए ज्यादा होने चाहिए असेंबली में, एमपी पार्लियामेंट में ज्यादा से ज्यादा माइनॉरिटी के होने चाहिए। तो कैसे होंगे? गुफ्तगू ये होनी चाहिए, बहस इस पे होनी चाहिए कि कैसे होंगे। उसके लिए हमें तहरीक चलानी होगी, उसके लिए हमें लाहे अमल तैयार करना होगा। बगैर लाहे अमल तैयार करने से कुछ नहीं होगा, नारे लगाने से, शोर मचाने से सारी चीजें नहीं हो जाती। उसके लिए हमें करना पड़ेगा, मुतहिद होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।